बॉम्बे सत्तर को जितना ट्रॉफी बॉम्बे सत्तर ही आनी चाहिए। अभी तक उसकी जिंदगी में आलिया भट्ट आई नहीं है, फिर भी दिखाई गई। और अभी मुंबई का पावर दिखाने का अपने को मुंबई ब्रांड है। बॉम्बे सत्तर को जितना ट्रॉफी बॉम्बे सत्तर ही आनी चाहिए। नेजी और साई के दोनों को कर रही हूँ, साई के लिए भी है फुल सपोर्ट, नेजी के लिए भी फुल सपोर्ट है और दोनों बहुत दिल के अच्छे इंसान है। मैं चाहती हूँ इस दफे हम बिग बॉस में ये प्रूफ करें कि सिर्फ दिमाग से गेम नहीं जीता जा सकता, कई मरतबे दिल का भी इस्तेमाल करेंगे तो हम जीत सकते हैं। मैं चाहती हूँ बिग बॉस इस बार ये एग्जांपल दे, जिसके दिल में भी दिमाग है मैं नहीं चाहती वो जीते। मैं चाहती हूँ कि जिसके दिल में दिल है, जो दिल का सच्चा और अच्छा इंसान है वो जीते। तो वो नेजी हो साई हो डजंट मैटर, आई वांट कि ये जीते और ट्रॉफी लेकर आए घर पर। बतौर फ्रेंड एंड आई थिंक उनके जितना प्यारा सोल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। कुछ नहीं, अदनान तो फुल खुश है, मचा डाला उसने भी, और वो भी मेरा आला दोस्त है और खुदा उसको बहुत तरक्की दे। वो बाहर आया है पर उसने भी लोगों का बहुत दिल जीता है और सबसे ज्यादा मायने ये रखता है ना कि ट्रॉफी से ज्यादा आप दिल जीतो, तो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। उसके बारे में मैं नहीं बता सकती वरना फिर सरप्राइज नहीं रहेगा। बट आई डोंट नो व्हाट्स इट। नेजी अपना भाई है और अभी मुंबई का पावर दिखाने का अपने को, तो वन साइड दबा के सपोर्ट करने का नेजी को। सबसे जेन्युइन, सबसे अच्छा, सबसे सच्चा लड़का है और भाई है। पहली बात ट्रॉफी मुंबई आनी चाहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं ट्रॉफी मुंबई आनी चाहिए। सबसे खतरनाक नेजी ना, ओरिजिनल अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, एमवी में बनता है भी, अपना ही बच्चा है। ये सारे रैपर लोग ना अपने बच्चे लोग, अपने भाई लोग छोटे, मैं इन लोग को बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ और मैं इन पे बहुत प्राउड करता हूँ कि लोग साने बच्चे लोग। लेकिन नेजी जो है ना वो ओरिजिनल अंडरग्राउंड है। क्यों मालूम है? देखो इतना पैसा उसके नाम पे कमाया गया, उसकी लाइफ को कुछ भलता बना के दिखाया गया, अभी तक उसकी जिंदगी में आलिया भट्ट आई नहीं है, फिर भी दिखाई गई। लेकिन फिर भी वो चुप रहा। इसको बोलते हैं ओरिजिनल अंडरग्राउंड आर्टिस्ट। चाहे शहर में कुछ हो जाए, कहीं पे कुछ हो जाए, तुमको अंडरग्राउंड रहने का। तो उसने वो सिस्टम को बरकरार रखा। सपोर्ट कर रहे हो बताओ कुछ ऑडियंस को, जैसा बोल तू वैसा करेंगे, मार मार के करने का जैसा आपका मन, चिल्ला चिल्ला के बाहर भी मचा रहे हो, अंदर मचा रहे हो, और उसकी गैंग लगी हुई है, पब्लिक लगी हुई है, मुंबई से लेके भारत तक पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ। अभी तक का गेम कैसा लग रहा है आप सभी से जानना चाहूंगा? गेम नहीं है, रियल है वो, रियल रियल है, रियल है, रियल है, में वो रियल है, बाकी नकली लोग तो बाहर होगा ना, समझ गया ना। हां बैटिंग में ये नहीं है, वो नहीं, सबको हटा दिया, बाहर चलते रहो। इतने टाइम से नेजी भाई को जानते हो, जब ये सब उनके ऊपर आता है कि तुम ये कर रहे हो घर के अंदर सो रहे हो, ये सब सुन के आप लोग क्या फील करते हैं? स्टार लोग ही करते हैं, सोते कुछ नहीं करते, बात समझ रहे हैं? सेम है वो जैसा भैया वहाँ रह रहा है, वैसे सेम यहाँ पे भी वैसे रहता है। कुछ उनकी बातें बताओ जो ऑडियंस नहीं जानते, जो घर में दिखी हुई है और इसके पहले की बात है। ये भाई उसका बचपन का दोस्त है, वो जेन्युइन बंदा है, जैसा दिख रहा वैसे ही है वो, ऐसा बचपन से बड़ा हुआ, सेम वैसे ही उसका कैरेक्टर ही वो है, जो उसके लगेगा तो फिर आप लोग ने देखे वीडियो वो कैसा सुना है। हाँ प्यार से बात करोगे तो आपको रिप्लाई देगा प्यार से, जब मीडिया एपिसोड आया था सामने और एक रिपोर्टर के ऊपर जब वो भड़क गए थे
तो वो जब आपने देखा तो आपको क्या किस हद तक सही लगा? रसिका पूछ रहा सर, बाजू में लड़की बैठी हुई है, प्यार करता तभी तो बैठी हुई है ना, उसने क्या जरा समझ जा उंगली कर रहा है, गलत बात है। और नेजी का रिएक्शन जो था, नेजी रिएक्शन सही दिया ना उसने, जबरदस्ती बोल रहा है ना यार, उंगली कर रहा है, सही था, किसी को पोक करेगा तो सुनना पड़ेगा, देना जरूरी था। और जो उनकी बॉन्डिंग अगर सना सुल्तान के साथ देखी जाए तो लोग भी पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को कितना पर्सनली अच्छा लगा? और वो कोई पागल तो है नहीं, नेजी पागल तो है नहीं, दोनों अच्छे लग रहे हैं, और किस मतलब क्या प्लानिंग क्या चलती है आप लोगों की सपोर्ट करने के लिए उनके, बाहर आप क्या कर रहे हो, रैली निकाल रहे हो, पोस्टर कर रहे हो, सब कुछ बताओ। हाल ही में फिनाले भी आने वाला है, उसके लिए कुछ यूनिक प्रिपरेशन कुछ बताना चाहोगे? आज देखने मिलेगा, यूनिक प्रिपरेशन कुछ कुछ आप लोग उनके दोस्त, आप लोग कुछ रैप करते हैं लेकिन बा को मालूम नहीं मैंने उनके लिए क्या बोल दिया, इतना बड़ा रैपर है तू डिस काय को कर रहा है, मुंबई का तू है भी नहीं फिर डिस काय को कर रहा है, जिनका नाम ले रहा उनसे पूछ कौन डेजी, पहला गाना आफा तो बहुत ज्यादा क्रेजी। जो दर्शक उनको सपोर्ट नहीं कर रहे उनके लिए कुछ बोलना चाहूंगा? मैंने इसको तो सपोर्ट नहीं करते आते, जो बाहर के दर्शक ऑडियंस जो इसके थ्रू देख रहे हैं उसको कुछ कहना चाहोगे उसके लिए? क्या सपोर्ट करो, वोट करो भाई, इतना भाई जीत रहा है, ट्रॉफी लाएंगे वरना छीन के ले आएंगे, और अगर नहीं भी सपोर्ट करते तो वो जीत ही रहा है। बहुत सारी चीजें मैंने देखी अपने लाइफ में, बहुत सारी चीजों को निकाला अपने लाइफ से, रेता में अकेले घर में सस्ता सब कुछ राइट है, दौड़ता दिमाग मेरा करता खुद से फाइट, मैं गहरी मेरी सोच उसमें गहरा चला जाता हूँ, इंडिया छोड़ साला पूरी दुनिया देख के आता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ, ट्रिप में चला जाता हूँ, लड़ता वहाँ लोगों से बाहर खुद से लड़ने पाता हूँ, जोन मेरा दुनिया से हाँ बहुत अलग, दुनिया कहती बंदा ट्रिप में झूमता कड़क, प्यार प्यार सबको इतना दिल से किया, जिसको दिया उसने दिल को तोड़ के दिया, ए बची रिस्पेक्ट प्यार की तलाश में हूँ आज, खुदा की ही रहमत से करूँगा फिर से राज, बोले आज मेरा दिन नहीं है टाइम की ये बात, करके छोड़े सब बच्चे कर रहे ले है आज, जहाँ पहन के बैठा था वहाँ राजा एक। So finally, नेजी भाई के फैंस लोग इधर आ गए, क्या कैसे सपोर्ट कर रहे हो? सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स लोग नहीं है भाई, लोग सपोर्ट करने के लिए आया भाई, इंशाल्लाह फाइनल में जीतेंगे। इतना अच्छा गेम चल रहा है इतने दिनों से और लास्टली फाइनल में आ चुके हैं, किस तरह की जर्नी आप लोगों को लगी? गेम तो जैसे आप बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो बंदा जैसा था वैसे ही, सब तो मुझे अच्छा जनरेट करने की कोशिश नहीं किया, किसी से बिना फालतू का झगड़ा करने की कोशिश नहीं किया, उसकी जिसके साथ वाइक मैच हुई उसके साथ बैठना था डे वन से, बंदा जैसे है वैसे ही है। रियलिटी शो की बात करें तो अगर किसी भी रियलिटी शो में जाए 24 आवर जब आप लाइव हो सब लोग आपको देख सकते हैं तो कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके जाना पड़ता है पहले से, तो बंदा शुरू से एंड तक सेम टू सेम है, जैसा वो बाहर है वैसे ही अंदर है, तो अच्छा खेल रहा है जैसा भी खेल रहा है। तो जैसा आपने बताया आप उसके फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स नहीं, उसके भाई लोग हो, पर आप लोग उनको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उनके पोस्टर, उनके लिए, उनके लिए रैली, क्या कुछ सब कुछ बताइए? जो जो कुछ भी हो सकता है वो सब कर रहे हैं, और आपको आगे रहा होगा मतलब यहाँ पर इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया है, और भी जो कुछ मतलब कोशिशें हो सकती है वो करी जा रही है, बाकी लोग के साथ उसका वाइफ नहीं मैच हो रहा होगा, वो बैठता नहीं होगा। वही सना की बात तो सना के साथ उसका वाइफ मैच हुआ शुरू से, और डे वन से ही ऐसा नहीं है कि कभी मतलब उसको छोड़ के गया, उल्टी सीधी बात हो रहा है, जो है वो शुरू से आखिरी तक सेम टू सेम मैच नहीं होता। नेजी भाई को और जो पहले से जानते कुछ बोलना चाहोगे उनके बारे में भाई लोग? बात बस इतनी है कि बिग बॉस में जितने भी बंदे आए इतना रियल बंदा आज तक कोई नहीं आया, मतलब उसने बनावटी करके कुछ दिखाया नहीं कि मैं ये हूँ, जबरदस्ती के मुद्दे ले लूँ, मैं झगड़ा करूँ, ये सब भाई ने कुछ नहीं किया, जैसा है वैसे उसने बताया। लाखली एक साथ नेजी भाई को क्या बोलना चाहोगे? नेजी भाई
Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.